we were undiscovered, didn't care for one another, you and I, you and I. Thought I was okay till something in me changed. Hey guys, good evening, welcome back to my channel and welcome back to a fresh new vlog. Aaj hai Sunday aur kal hamare ghar mein tha Satya Narayan Puja. तो उसके बाद ऑफकोर्स थोड़ा टायर्डनेस तो है क्योंकि पूजा तो एक दिन का था, बट उसके पहले जो प्रिपरेशन था और एक बार जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है तब समझ में आता है कि हाँ कितना ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं हम. आज हमारे एक इनविटेशन है एंगेजमेंट का, इसलिए ऑफकोर्स मैं रेडी हुई हूँ. सो मैं क्विकली दिखा दूँ, दिस इज़ माई OOTD टुडे. दिस सिल्क साड़ी इन ग्रीन एंड पिंक कॉम्बिनेशन, उसके साथ ये इसका ब्लाउज नहीं है, मैंने रनिंग ब्लाउज पे से नहीं बनाया है. ये मैंने बहुत ही सिंपल ज्वेलरीज पहने इसके साथ, कानों में एक छोटा सा टॉप. इतने गर्मी में ज्यादा तैयार होने का भी मन नहीं हो रहा है. हाँ, हॉल ऐसी है ना जहाँ पे इनविटेशन है. दीपांजन भी रेडी हो गया अपना चिकनकारी कुर्ता पे. हम लोग शायद किसी और का इनविटेशन होता तो दो बार सोचते आज जाने के लिए, क्योंकि हम पुशअप में बहुत टायर्ड है और घर पे पापा भी है. बट द थिंग इज कि जहाँ पे जा रहे हैं वो दीदी भाई के बहुत क्लोज है, तो दीदी भाई के थ्रू ही वो हमें जानते हैं, तो यहाँ पे हमें जाना ही पड़ेगा. थोड़ा दूर है, 25 किलोमीटर, एक घंटा तो लगेगा पहुँचने में बाईपास पकड़ के, तो इसलिए 7:30 बज के हम निकलते हैं जल्दी, और जल्दी वापस भी आ जाएंगे. वहाँ पे ज्यादा दिन रुकेंगे नहीं, जल्दी जल्दी आ जाएंगे. फ्लरी क्यारा पापा और मिठू के साथ घर पे रहेंगे कम्युनिटी हॉल में. फ्लरी क्यारा तो नहीं जा पाएंगे, आई विश जा पाते. चलो गाइस हम लोग निकल जाते हैं क्योंकि काफी दूर है, जल्दी वापस भी आ जाना पड़ेगा. एटलीस्ट 11 बजे तक तो वापस आना ही पड़ेगा. वापस आके फिर मिलती हूँ. गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा मास्क थोड़ा नीचे कर देना. कल रात को हम लोग 11 बजे तक वापस आ गए थे. हम लोग ज्यादा देर वहाँ पे बैठे नहीं, थोड़ा सा मीट करके फिर डिनर करके हम दोनों वापस आ गए. दीदी भाई से भी मिले वहाँ पे, दीदी भाई कल बहुत अच्छी लग रही थी. सुबह हम लोग जा रहे हैं, जो पूजा हुआ था तो नारायण के पूजा में जो नारायण शिला है वो तो पुरोहित खुद लेके आते हैं साथ में. विसर्जन होता है सिर्फ जो घाट बैठता है सामने उसका विसर्जन होता है. पूजा में जो दूसरा सामान यूज होता है उसको भी साथ में विसर्जन के टाइम ही दे देते हैं पानी में. तो यहाँ पे आसपास गंगा कहाँ पे है हमें पता नहीं, बट एक विसर्जन घाट है न्यू टाउन में NKDA का, हम लोग वहीं पे जा रहे हैं. देखेंगे वहाँ पे अगर पानी में नहीं देने देते हैं तो शायद कुछ और अरेंजमेंट होगा कि वो लोग खुद कलेक्ट कर लेते हैं, साइड में रख देते हैं जो भी है, बट जो प्रॉपर प्लेस है वहीं पे जाके इसको देना पड़ेगा. दिस इज मंडे मॉर्निंग, सुबह सुबह हम लोग यही काम सबसे पहले करेंगे क्योंकि ये घर पे ज़्यादा दिन रखेंगे तो किसी का हाथ लग सकता है, किसी के पैर लग सकते हैं, वो सब तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. कल हम लोग सोचे थे शाम को जाएंगे सब मिलके, फिर कल इनविटेशन के लिए वो नहीं हुआ, हम थोड़ा लेट हो गए उठने में. नारायण पूजा में आप लोग हमारे साथ थे तो विसर्जन भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. शाम को होते तो शायद पापा भी साथ में आते, बट सुबह के टाइम अभी पापा को भी निकलने का मन नहीं है. छोटा सा ही काम है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, ख़त्म करके आ जाएंगे. मैं भी पहली बार ये विसर्जन घाट जा रही हूँ यहाँ पे. हाँ, हम लोग वीडियोस में देखे हैं, फोटोज देखे, पहली बार जा रहे हैं. तो ये पहुंच गए हैं हम विसर्जन घाट, बहुत खूबसूरत है, एकदम नीट एंड क्लीन, बहुत खूबसूरत. दीपांजन जा रहे हैं बात करने, कार में बहुत सारी चीजें हैं वो नीचे करने से पहले दीपांजन एक बार बात कर ले. तो यहाँ पे कुछ भी पानी में देना मना है, तो इसका भी सिर्फ जो भी सामान है वो हमें वहाँ पे रखना पड़ा. एक जगह है पर्टिकुलरली, तो इसको बोला है एक बार पानी में डुबो के आप साइड में रख दीजिए, पानी में मत दीजिए. उसको एक बार पूरा पानी नहीं देना पड़ता है. हो गया? हाँ, बट ये थोड़ा बुरा लग रहा है मुझे. बुरा लगने क्या मतलब? बुरा लगने क्या है, यहाँ पे जो सिस्टम है उसको, जो सिस्टम है वो है वो पानी को साफ रखने के लिए. ठीक है, ज्यादा देर एक जगह पे खड़े नहीं रख सकते क्योंकि पैर पूरा जल रहा है. गुड आफ्टरनून फ्लोरो, आ क्यू क्यू मेरे पीछे से पिकअपू कर रही है. क्यू गई ए तो क्यू क्यू. टुडे इज 20th of April एंड टुडे इज दीपांजन्स बर्थडे. बर्थडे अगर वीकडेज पे पड़े ना तो आपको पता ही है क्या होता है कि पापा है घर पे, तो आज हम लोग
प्लान कर रहे हैं कि शाम को थोड़ा केक कटिंग करेंगे और केक लाएंगे। पापा का प्लान है, पापा ने कहा है कि केक पापा लाएंगे। उसके साथ रात को प्लान है कि कहीं पे हम लोग सब डिनर पे जाएंगे। सुबह आज बहुत सिंपल खाना बना है, मैं चाहती थी कि आज पूरा बर्थडे लंच बने, 5 टाइप्स का भाजी राइस, बट उसने कहा इतना गर्मी है, एक तो मैं ऑफिस के काम के अंदर इतना जल्दी जल्दी खा भी नहीं पाऊंगा, तो एकदम सिंपल सा बनाओ जो मुझे पसंद है। तो इसलिए आज सूप तो बना है और उसके साथ बना है पॉमफ्रेट, पॉमफ्रेट का करी। ने कहा रात को जब बाहर जाएंगे तब अच्छे से खाएंगे। थोड़ा लंच को हीट अप कर लो क्योंकि सुबह खाना बना है, अभी थोड़ा ठंडा हो चुका है। शुक तो ये पापा का भी बहुत फेवरेट है और दीपांजन का भी। पापा कल घर चले जाएंगे तो पापा भी खा लेंगे और दीपांजन को भी अच्छा लगता है। लाडू तुम्हें शुक तो खावे, शुक तो खावे। एंड ये है पॉमफ्रेट करी, इसको भी गर्म कर लेते हैं। ग्रीन सलाद भी है लंच के साथ। बर्थडे बॉय, बर्थडे बॉय नए कपड़े ही पहने हैं बट घर वाले कपड़े। स्टॉक में और नए कपड़े हैं क्या? बाहर तो नहीं जा नहीं रहे अभी ना, रात को जाएंगे ना, इतनी गर्मी में नहीं, बट रात को जाएंगे ना, नहीं तो है नए कपड़े। हाँ नए कपड़े नहीं है बट खोज ढूंढ लूंगा कुछ तो, कुछ मिल जाएगा, धुले हुए कपड़े मिल जाए इतना काफी है। तो दीपांजन को बर्थडे पे या कभी भी मैं कुछ गिफ्ट देती हूँ तो हमेशा उसको यूजफुल चीज़ें देती हूँ। अगर बर्थडे के टाइम उसका परफ्यूम ख़त्म होने वाला होता है तो परफ्यूम एक चीज़ है दैट ही पुट्स ऑन एवरी टाइम, घर पे रहे या बाहर रहे, फ्रेश होने के बाद ही वो परफ्यूम लगाता है। तो वो ख़त्म होने वाला होता है तो वो दे देती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं परफ्यूम्स ही देती हूँ या तो कपड़े देती हूँ। इस टाइम जैसे उसका या तो उसको वॉच चाहिए तो देती हूँ, अभी वॉच उसके पास बहुत सारा हो गया है। तो इस बार जैसे उसको चाहिए था वो बैठने वाला चेयर ऑफिस में, तो वो मैं एडवांस दे दी थी। बट फिर भी बर्थडे के पहले कुछ देना अच्छा लगता है। मैंने मिंत्रा से ऑर्डर भी किया है बट अभी तक डिलीवर्ड नहीं हुआ है, जो कल होगा, तो आज मैं वो दे नहीं पाऊँगी। आप कुछ भी एडवांस दे दो फिर भी बर्थडे के आसपास गिफ्ट मिले तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी फिलहाल लंच कर लेते हैं। बाबा ईशो गुट्टू गुट्टू आशो गुट्टू गुट्टू ए हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये तो बाबा आने से छे बाबा को तो कहने से सीधा उन्नो का था बाबा आने से। हैप्पी बर्थडे दीपांजन जगह एचबीटी दीपांजन। हां तो एचबीटी व्हाट अ व्हाट्सएप एरा वी आर लिविंग इन। पापा ये भैया अब ये एचबीटी कर दिया, एचबीटी। हां पापा लेके आए हैं करने का क्या बात है इसमें, डरने की कोई बात नहीं है। हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। हाँ मिठू आशो शुभ जन्मदिन। এই যে তোমরা হবে না ড্যাডি কে বলেছো এটা হলো হাই গুড ইভিনিং এভরিওয়ান মাই নেম ইজ রেডিমো দিস ইজ বার্থডে বয়স ওটিডি মাই প্যান্ট ইজ নট নিউ বাট দ্য টি-শার্ট ইজ নিউ দিস ইজ মাই ওটিডি মেরা ভি শার্ট নিউ হ্যায় ইটস লাইক ওয়াও জিন্স মে বাস এক হি বার পেনি ইসে ওকে তো কাম অন দ্য সেম ফ্রেম টুগেদার So this is how we look today. This is our OOTD. I think it's the color. The time is 8 o'clock. Colors are actually complementing each other. आप लोग comment करके जरूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है ये color combination. This was not planned. She wore something. ये हमेशा होता है कि वो कुछ पहनती है। हाँ मेरे ये एक ही नया shirt है अभी collection में, बाकी सारे Indian है कुर्ती। मेरा भी एक ही t-shirt है collection में, एक और shirt है but that is not something I can wear today. Linen shirt है तो बहुत comfortable है। दीपांजन को भी मैं वही पूछ रही, तुम्हारे पास कुछ नया है कि नहीं?
देखा ना, नया निकाला ना मैंने। टाइम इज 8 o'clock। दीपांजन ने थोड़ा जल्दी लॉगआउट कर लिया है बर्थडे के लिए और अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर पे। जाने का तो प्लान था थोड़ा सा दूर, तोपशिया जाने का प्लान था, चाइना टाउन, क्योंकि हम सबको चाइनीज बहुत पसंद है। इस साइड में ज़्यादातर आर पब्स और बार्स, और तो वहाँ पे ना पापा को लेके जाएंगे तो पापा थोड़ा सा आउट ऑफ द प्लेस फील करेंगे, इसलिए हम वहाँ पे नहीं जाना चाहते। थोड़ा सा फैमिली रेस्टोरेंट जाना चाहते थे बट वो बिरयानी भी नहीं खाना चाहते थे, तो इसलिए हमने सोचा था कि चाइना टाउन जाएंगे, बट इतना लेट हो गया, जाने में ही 1 घंटा लगेगा और आज थोड़ा सा फोरकास्ट भी है कि थंडरस्टॉर्म और बारिश हो सकता है, तो इसलिए हम लोग और फ्लरी कियारा को रखे जा रहे हैं, क्योंकि फ्लरी कियारा को लेके जाएंगे तो और भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम बस जल्दी जल्दी जाएंगे। और हम लोग जा रहे हैं CC2, वी आर गोइंग टू ब्लू नाइल। ब्लू नाइल में कॉन्टिनेंटल भी है जो दीपांजन का फेवरेट है, चाइनीज भी है और इंडियन भी है जो पापा का फेवरेट है। ब्लू नाइल कहाँ पे है? CC2। CC2 मतलब ग्राउंड फ्लोर में, बिकॉज CC2 में जाके अगर हम गुम हो जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर शायद वो एड्रेस में लिखा है, तो हम लोग वहाँ पे ही जा रहे हैं। फटाफट डिनर करके हम लोग वापस आ जाएंगे। मीठू ऐसे बहुत शर्माती है तो वो हम लोगों के साथ हरगिज़ नहीं आएगी वहाँ पे, तो इसलिए उसके लिए जो डिनर है वो हमने बाहर से मंगवा दिया है, उसको बिरयानी बहुत पसंद है, तो वो आज घर पे बिरयानी खाएगी और हम लोग जा रहे हैं बाहर, डिनर करके आ जाएंगे और बच्चे मिठू के साथ ही रहेंगे। थंडरस्टॉर्म आने वाला है इसलिए थोड़ा सा सफोकेटिंग है वेदर, और कियारा को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है ना, इसलिए हम लोग बाहर उस रूम का AC ऑन करके सबको रख के जा रहे हैं। हियर इज दीपांजन बिजी टेकिंग फोटोज, पापा इज हैविंग सॉल्ट एंड पेपर लैम्प, फ्रेश लाइम सोडा, दिस इज मैंगो चिली मोहितो मेड ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट, ये उनके मेनू में नहीं था, दिस इज द फर्स्ट वन। और हमने एक और क्या ऑर्डर किया है, चिकन पॉपलिन, दैट्स ए इटालियन स्टार्टर, वो हमने कभी ट्राई नहीं किया है, हिट भी हो सकता है और एकदम फ्लॉप भी हो सकता है। डू यू लाइक दिस रेस्टोरेंट? आई लव इट। टेस्ट द फूड फर्स्ट। स्टार्टर एकदम मस्त था, एकदम इतना जूसी सॉफ्ट एंड टेस्टी लैम्ब बहुत दिनों बाद खाया। ये प्लेट देख के ही समझ में आ जाएगा, माय प्लेट, पापा का प्लेट, बहुत मस्त था। चिकन का भी तुमने जो लिया था, चिकन का क्या लिया था? पॉपलिन। चिकन पॉपलिन वो भी बहुत अच्छा था। अब मेन कोर्स में पापा ले रहे हैं इंडियन, ये ले रहे हैं सिजलर। राइस अच्छा बना है, अच्छा बना है, अच्छा। और जिन लोगों ने हम लोगों को देखा है बैंगलोर में, हम खाते थे हकुना मताता में, ये सेम टाइप का कुछ ट्राई किया उन्होंने, इसने सेम टाइप का कुछ ट्राई किया है। और पापा उधर, पापा का फेवरेट। बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया आज, हम लोग वहाँ पे बैठ के इतना रिलैक्स करके खाना खाए और इतना कुछ खाने में भी टाइम लगा, पेट इतना फुल है कि बैठने का भी मन नहीं कर रहा है, उसको अभी खेलने का मन है, रात के 1 बजे इसको अभी खेलने का मन है। हाँ फ्लरू, फ्लरू यहाँ पे सारे टॉयज लेके आए हैं, ये वापस कौन लेके जाएगा बताओ, हमको बताओ ये वापस कौन लेके जाएगा, चलो जंपी उठो, क्यों उठो, अच्छा अच्छा टॉय लेके ही उठो, हाँ टॉय लेके ही उठेगी वो, बस निनी का टाइम है, दिस इज निनी टाइम। दोनों का तो पता नहीं बट हमें बहुत नींद आ रही है, तो ये व्लॉग को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है, बर्थडे इज ओवर बट स्टिल वन मोर टाइम हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, खुद ही बोल रहे हो, खुद का बर्थडे खुद ही बोल, किसको बोल रहे हो। तो वीडियो अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड प्लीज टू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट येट। टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे पर्सन, बाय बाय।